अस्सलाम वालेकुम लवली पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं आईफोन 11 की अनबॉक्सिंग। तो यार बहुत मेहनत लगी है, तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बस इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह का है इसका बॉक्स और ये रेड कलर में आपको यहाँ पर मिल जाता है। सामने की तरफ जो है कुछ ये डिज़ाइन बना हुआ है इसका आईफोन 11 का, और पीछे जो है वो 64 GB का जो है वो लिखा हुआ है कि 64 GB का जीबी की रैम है इसकी। तो सामने की तरफ आपको मिल जाता है आपका आईफोन। तो यार रेड कलर में है, बहुत ही खूबसूरत सा ये फ़ोन है। और इसके नीचे आपको मिल जाते हैं कुछ पेपर वर्क और एप्पल स्टिकर्स। तो इनको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा। और साथ आपको मिल जाते हैं कुछ बेसिक से ये एयरपॉड्स, क्योंकि इसमें आपको हेडफोन जैक के ऑप्शन नहीं मिलती। तो फिर जब तक जो है वो न्यू नहीं आप बाय करते तब तक आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। और एक लाइटनिंग केबल और ये एक अडोप्टर जो कि 5 एम्पेयर का है आई थिंक। सो और ये फास्ट चार्जिंग जो है नहीं करता, वो आईफोन 11 और 11 प्रो मैक्स के साथ आता है। तो अब इनको ऐसे ही रख देते हैं और अपने मेन फोन को जो है ऑन कर सेटअप करते हैं, और आगे मैं फिर आपको मिलता हूँ बाद में। अच्छा जी, तो इसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। वैसे इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने जो है 64 GB के ऑप्शन के साथ मंगवाया है। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल फ़ोन है, रेड कलर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और बैक पर इसके 2 कैमराज हैं, जो एक जो है वो पोर्ट्रेट कैमरा है और दूसरा वाइड एंगल कैमरा है। और बहुत ही अच्छा फ़ोन है, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। और इसकी जो बनावट है वो तकरीबन आईफोन XR के साथ मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके अंदर एक सिम लगाने के आपको 1 SIM कार्ड लगाने की ऑप्शन मिल जाती है, और फेस आईडी की भी सपोर्ट मिल जाती है। और अब मैं आपको कैमरा टेस्ट चेक कराता हूँ। तो गाइज ये जो है मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बैक कैमरे से, और इसमें 1x जूम का भी ऑप्शन है, ये वाइड एंगल का सॉरी ऑप्शन है। वैसे पहले 1x पे बन रही थी वीडियो, अब 0.5x से बन रही है। यार इसका कैमरा जो है बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया इसका कैमरा। और ये फोन लगा हुआ था और ये साथ वो उसका बॉक्स पड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी साथ शेयर करवाता हूँ। तो गाइज अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं आईफोन 11 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा इसका कैमरा है, और ये पीछे मैंने सब कुछ सेटअप किया हुआ था। तो बहुत ही अच्छा कैमरा है यार, मुझे बहुत ही पसंद आया इसका कैमरा। व्लॉगिंग के लिए तो ये बेस्ट फ़ोन है। तो गाइज इसके जो कैमरा में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसा कि फ़ोटो है, ये पोर्ट्रेट है, पैनो और वीडियो, स्लो मोशन, और ये जो है ये टाइम लैप्स है। और फ्रंट कैमरे में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि स्लो मोशन, वीडियो, वही ऑप्शन जो बैक कैमरे के साथ आते हैं। तो कैमरा जो है इसका बेस्ट है, और बाकी फोन जो है वो बहुत ही अच्छा है। और ब्लर जो है ये बहुत ही जल्दी करता है। वैसे जो पुराने फ़ोन थे जैसे कि 10S Max और 10XR, उनमें इस तरह का ब्लर नहीं था जिस तरह का इसमें ब्लर है। तो इसका ब्लर जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो ब्लर है वो काफ़ी अच्छा है, और रेड कलर में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ रही है इसमें। तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो गाइज आज के लिए बस नई मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मैं आपको जो है जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।